नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कांग्रेस के सूबाई कप्तान अशोक तंवर शुक्रवार से सरकार के खिलाफ झंडा उठाकर पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। कहने को तो ये कांग्रेस के बैनर तले प्रदेश सरकार के खिलाफ आधिकारिक विरोध प्रदर्शन था, लेकिन आगाज के मौके पर कप्तान के साथ प्रदेश प्रभारी शकील अहमद, सह प्रभारी आशा कुमारी और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव समेत चंद चुनिंदा चेहरे ही नजर आए। हालांकि दावा यह होता रहा कि कांग्रेस एकजुट होकर सरकार की नीतियों के विरोध में है, लेकिन ये एकजुटता फिलहाल वर्चस्व की लड़ाई में फीकी पड़ती दिख रही है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तंवर के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अलग से अपना काफिला लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं। यानी एक ही पार्टी के दो काफिले, अंदाजा भी कमोबेश वही है। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि मंजिल भी दोनों की एक ही है, लेकिन क्या यही पूरी हकीकत है? जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, आखिर क्या है इस पदयात्रा की मंजिल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर शुक्रवार से पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। यमुनानगर से शुरू हुई तंवर की यह पदयात्रा कई मायनों में खास है। सवाल यह है कि सरकार की घेराबंदी है या फिर कांग्रेस के अंदर ही वर्चस्व की यह लड़ाई है। एक साल के अंदर केंद्र की सरकार ने जो वायदा खिलाफी करी, भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ने, और प्रदेश में जिस तरीके से 7 महीने में लगातार किसान मजदूर त्रस्त हुए हैं, व्यापारी कर्मचारी सड़कों पर हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हरियाणा कांग्रेस किसान मजदूरों के बीच में जाएगी, अपनी बात रखेगी। सड़कों पर केंद्र की मोदी और सूबे की खट्टर सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए हरियाणा कांग्रेस के कप्तान अशोक तंवर यात्रा पर निकल पड़े। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर संवाद पदयात्रा के नाम से की जा रही इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद और सह प्रभारी आशा कुमारी की मौजूदगी में हुई। उम्मीद के मुताबिक हुड्डा खेमा यात्रा से दूर रहा और कांग्रेस के दिग्गजों के निशाने पर बीजेपी सरकार रही। बीजेपी ने राजनीति खेल कर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम भगवान राम के बारे में अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ आपको। अल्लामा इकबाल का नाम सुना हो आपने, उर्दू के बहुत बड़े कवि थे। अल्लामा इकबाल का शेर है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र बताते हैं उनको इमाम हिंद। हिंदुस्तान का इमाम बताया है अल्लामा इकबाल ने भगवान राम को। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनके नाम पर भी राजनीति दुकानदारी की। ये शर्म और ये अफसोस। तंवर की इस पदयात्रा के ठीक 2 दिन बाद 10 साल तक हरियाणा में हुकूमत करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद के ऐतिहासिक कंडेला गांव से हुंकार भरने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि जब लड़ाई एक है तो फिर राहें जुदा जुदा क्यों हैं? प्रदेश में एक साथ दो यात्राएं हो रही है। कोई यात्रा नहीं, यात्रा एक ही है, किसान मजदूर संवाद पदयात्रा यही है। ऐसे में आज क्या हुड्डा जी को निमंत्रण भेजा गया था इस यात्रा के लिए? सब पूरी कांग्रेस को निमंत्रण है और सब साथी यहाँ पर हैं। आपने कहा था कि यात्रा को लेकर तमाम जितने भी नेता हैं उनको एकजुट किया जाएगा, लेकिन अभी भी कहीं सभी एकजुट हैं। कल से सब लोग आएंगे, बारी बारी से अलग अलग समय में सब ज्वाइन करेंगे। 31 तारीख को क्या माना गया जो हुड्डा जी यात्रा निकाल रहे हैं उसमें भी सारे? हुड्डा जी भी जनसंपर्क में निकल रहे हैं। हमने कहा है कि कांग्रेस के हर नेता को, हर कार्यकर्ता को अपनी अपनी जगह पे हुड्डा सरकार और खट्टर सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ काम करना। बहरहाल कई सवालों के बीच अशोक तंवर पदयात्रा पर निकल पड़े हैं और यात्रा का पहला सफर रादौर, शाहबाद, कुरुक्षेत्र और इंद्री से होते हुए 1 मई को करनाल में पूरा होगा। फोकस हरियाणा के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट। और कांग्रेस की यात्रा पर सरकार चुटकी ले रही है। फतेहाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस कौन सी कांग्रेस है और किसकी यात्रा है ये समझना मुश्किल है। विज के मुताबिक कांग्रेस के लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, इसलिए वो सड़कों पर निकल रहे हैं। अब एक कंडेला से चला रहा है, एक यमुनानगर से चला रहा है, मालूम नहीं है कि कौन कांग्रेस के झंडे के नीचे चलाएगा, कौन गुलाबी झंडे के नीचे चलाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की जनता ने
पांच साल का रेस्ट सुजेस्ट किया था, परंतु इनसे आराम हो नहीं रहा। इनकी रातें करवटें बदल बदल के व्यतीत हो रही हैं और इनमें से कुछ नेता तो रात में नींद में चलने लग गए हैं और नींद में चलते चलते भी सीएलयू की फाइलें कहाँ हैं, सीएलयू की फाइलें कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो इस रात की सुबह होने वाली तो नहीं है। तो बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस की इस पदयात्रा की मंजिल क्या है और अगर मंजिल एक है तो राहें जुदा क्यों हैं? हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है चर्चा करने के लिए। ज्ञानचंद गुप्ता है हमारे साथ, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, कृष्णमूर्ति हुड्डा हैं नेता हैं कांग्रेस के, रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं अमित नेहरा, पत्रकार हैं गुड़गांव से हैं, और महावीर जैन आप भी पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपसे ही बनता है, आप यात्रा कर रहे हैं, मंजिल भी आपकी एक है, लेकिन 29 से तंवर अशोक तंवर जी की यात्रा शुरू हुई है जबकि 31 से हुड्डा जी यात्रा शुरू करेंगे, ये दो यात्राएं अलग अलग राही क्यों जब मंजिल एक है? देखिए, अशोक तंवर जी ने आज यमुनानगर से अपनी किसानों से मजदूरों से संवाद की, अपनी यात्रा शुरू की है। हुड्डा साहब यात्रा नहीं करेंगे, वो जो इस हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के बड़े बड़े गांव हैं जो, उनके अंदर लोगों से बातचीत करने के लिए जाएंगे, वहां जनसभाएं करेंगे और इस मौजूदा सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको उजागर करेंगे। और जो किसानों के साथ इस सरकार में 7 महीने में जाती हुई है, जिस प्रकार से किसान को ठगा गया है, जिस प्रकार से किसान को सही रेट मिले नहीं है, ना उसको धान के सही रेट मिले हैं, ना कपास के सही रेट मिले हैं, और जब यूरिया लेने गया तो उसको लाठियां उखाड़ी पड़ी, इन सभी बातों को लेके भूपेंद्र सिंह हुड्डा 31 तारीख को कंडेले से अपना अभियान शुरू करेंगे। आपकी बात ठीक है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, लेकिन सवाल तो ये है कि बीजेपी को घेरने की कोशिश है या कांग्रेस के अंदर ही वर्चस्व की लड़ाई है? ये देखिए, पिछले 49 वर्ष से जब से हरियाणा बना है जी, ये पहली सरकार ऐसी आई है जो इतने बहुत थोड़े टाइम के अंदर अलोकप्रिय होगी है, जो आम आदमी के ये आपका कहना है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ये आपका दावा है। स्वयं कंडेला में था, कंडेला में मैंने लोगों से बात की, लोग कहते हैं सरकार नाम की कोई। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप टू दी पॉइंट जवाब नहीं दे रहे हैं। ये हमारा दावा सरकार है, गलत है, सही है, ये सवाल नहीं है और ना ही चर्चा का विषय है। अशोक तंवर जी की कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सवाल ये है कि आप दो यात्राएं क्यों निकाल रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 दिन के अंतराल पर, एक ही यात्रा क्यों नहीं एकजुट होकर निकाल रहे हैं? आखिरकार ये बिखराव क्यों है? जब मंजिल एक है तो रास्ते अलग क्यों है? देखिए, हमारे प्रभारी शकील अहमद जी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि हर आदमी सरकार के खिलाफ अपना प्रोग्राम कर सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत बड़े कदावर नेता हैं, इसलिए उन्होंने आज से 2 महीने पहले ये तारीख की घोषणा कर दी थी, इसलिए उनका प्रोग्राम तो पहले से ही शुरू है। और आपको भी याद होगा कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कि अशोक तंवर ने कहा था कि मुझे तो किसी भी तरह के इस रैली की कोई जानकारी नहीं है कि कोई और भी ये कोशिशें कर रहा है। खैर, हम आपके पास लौटेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जी, सवाल आपसे मेरा ये है कि आप ये कह रहे हैं, खासतौर पर अनिल विज साहब का अगर हम बयान देखें, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि पानीपत की चौथी लड़ाई होने जा रही है ये, आज हम उनका बयान देखते हैं कि कांग्रेस की रातों की नींद टूट गई है, वो रातों में भी उठ उठ कर जाग रहे हैं। ऐसे में सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि एक कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है ये कि हर तरफ से बड़े बड़े योद्धाओं को वो मैदान में उतार रहे हैं कि आप एक तरफ से मोर्चा संभालिए, एक तरफ से आप मोर्चा संभालिए और बीजेपी को चौतरफा घेरने की ये कोशिश है? साकेत जी, ये ना कोई किसी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, ये तो अपने वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस के अंदर हर नेता लड़ रहा है। आज कांग्रेस का जो जनाधार है
बिल्कुल जमीन के ऊपर आ गया है और हर नेता अपने आप को सबसे बड़ा लीडर समझता है। ना तो मंजिल एक है, ना रास्ता एक है, ना ही नेता एक है। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, ये लेकर के लोग सड़कों के ऊपर गांव के अंदर घूम रहे हैं या कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई ये कह रहे हैं कि हुड्डा जी मिलने के लिए अलग हो सकती है ज्ञानचंद गुप्ता जी, लेकिन राग तो एक ही है, जा रहे हैं राग तो एक ही है कि वो बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, बीजेपी के जो आपने वादे पूरे नहीं किए उन वादों को पूरा ना करने को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वर्चस्व की लड़ाई कैसे आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि अगर वो सड़कों पर है, अगर वो सड़कों पर उतर रहे हैं तवर साहब, तो वो ये नहीं कह रहे कि मैं अगला मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ या हुड्डा साहब, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। उनके मुंह से तो एक ही बोल निकल रहे हैं कि भाजपा ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो सुर तो एक है और कहीं वर्चस्व की लड़ाई ऐसी नजर नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे करेगी, लेकिन आज कांग्रेस का जो हाल है, जिस प्रकार से आज कांग्रेस अलग अलग खेमों के अंदर, आपको तो अपना घर देखना होगा ना ज्ञानचंद गुप्ता जी, अलग जा रहे हैं सत्ता में, आप हैं, आपको अपना घर देखना होगा कि आप अपने आप को कैसे मजबूत रखें। किरण चौधरी जी वो ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। अमित नेहरा जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मेरा सवाल आपसे है कि आप इसको वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखते हैं या फिर भारतीय कांग्रेस ने अलग अलग योद्धाओं को अलग अलग मोर्चा दिया है, क्योंकि 10 जनपद की तरफ से दोनों ही यात्राओं को, दोनों ही रैलियों को हामी दी गई है, मंजूरी दी गई है। देखिए साकेत जी, जी हमने जो देखा है पिछले 10 साल में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में उभरे जी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास देखिए कि जो छोटे छत्रप होते हैं तो आलाकमान ये कभी नहीं चाहता कि कोई एक धड़ा इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो कुछ दिन के बाद आलाकमान को आंखें दिखाने की हैसियत में आ जाए जी। तो ये दूसरा जो खेमा है अशोक तंवर वाला जो यात्रा की गई है, तो ये है कि थोड़ा सा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रेशर में लाना है, नहीं तो देखिए आज के दिन निर्वावित रूप से नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप देखेंगे कि इस यात्रा में अशोक तंवर के साथ कोई भी विधायक मुझे नज़र नहीं आया, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेते हैं मीटिंग वगैरह करते हैं तो 15 में से एक तो खुद है एमएलए, बाकी 14 एमएलए हैं, उसमें किरण चौधरी तो कई बार अनुपस्थित हो जाती है, बाकी 13 तो रहते ही हैं उनके साथ। तो ये एक साधने की, दोनों नेताओं को साधने के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगाम लगाने की एक कोशिश है। मुझे नहीं लगता कि अगर शकील अहमद आए हों किसी पदयात्रा में, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के, और उसमें हुड्डा का अनुपस्थित रहना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जी। तो ये एक खास वजह है, ठीक है। बाकी जो बात आपने कही थी अमृता जी ने जो शुरू किया था जी, जो अमृता जी ने शुरू किया था कि मंजिल एक है, कांग्रेस पार्टी की मंजिल एक हो सकती है, लेकिन दोनों की जो नेता हैं, अशोक तंवर भी सपना पाले हुए हैं, अगर आगे चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री वो बने, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये चाहते हैं कि 10 साल में लगातार सीएम रहा हूं तो मेरा दावा बनता है। तो मामला ये है जहां तक ये, यानी कि दूसरी नजर से देखें तो ये वर्चस्व की भी लड़ाई है, ठीक है। महावीर जैन जी, आपका रुख करना चाहेंगे और आप इसे किस तरीके से देखना चाहेंगे, क्योंकि जब इनसे पूछा गया अशोक तंवर जी से कि क्या आपने इनवाइट किया है हुड्डा जी यहाँ पे क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि किसी को पर्सनल इनविटेशन नहीं दिया गया है, सबके लिए ये यात्रा है, कोई भी इसमें आ सकता है, और हुड्डा जी की यात्रा में जाने को लेकर उन्होंने कहा कि मैं तो बिजी हूँ अपनी यात्रा में, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। इस तरह के बयानों से ऐसा नहीं लगता कि सपोर्ट तक नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की यात्राओं को? अमृता जी, ये सच्चाई है, कांग्रेस में अगर आप उसकी पुरानी हिस्ट्री निकाल के देखें, कोई सच्चाई है कि हाई कमांड हमेशा एक किसी भी लीडर को आगे नहीं ला जाती, हमेशा दूसरे लीडर को क्या करें, दोनों लीडरों को साथ साथ ले जाती है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने सबसे पहले हुड्डा साहब का जिक्र किया कि 31 तारीख से हुड्डा साहब जीन से अपने कंडेला गाँव से यात्रा शुरू करेंगे। इन्होंने अशोक तंवर जी का बाद में नाम लिया कि शकील अहमद का रेफरेंस बाद में दिया, गुटबाजी पार्टी में दोनों तगड़ी गुटबाजी है जी। अगर आप देखोगे मौजूदा विधायक कोई भी कहा गया अशोक तंवर जी का है, बिल्कुल नजर नहीं आया कोई भी, जैसे अपना नेहरा साहब ने भी बताया या आपको ने भी नजर आया बड़ी स्पष्ट,
और ये बात सच्चाई है कि शकील अहमद वहाँ जो उस वक्त वर्ष की रैली में पहुँचे हैं, उनका भी अब प्रदेश में क्या मैसेज देना है ताकि एक प्रदेश की जनता को एक वही बात कि हुड्डा इतने उभर कर ना आ जाए ताकि हाईकमांड पर होट दबाव, हर आदमी वर्ष से खिलाड़ी लड़ता है, चाहे वो किरण चौधरी जी हैं, चाहे कैप्टन यादव जी हैं, जब मंत्रिमंडल में कैप्टन यादव थे उस समय भी कहा हुड्डा साहब को कैसे आँखें दिखाकर बाहर त्याग पत्र तक दे दिया था। तो कांग्रेस में शुरू से एक रिवाज रही है कि अपने अपने हाई कमांड को अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे समय समय पर, और ये यात्रा से भी कांग्रेस वो एक अलग है कि भाजपा को हाई कमांड का दूसरा मैसेज ये भी हो सकता है, जैसे कांग्रेस अभी आपने गुप्ता जी पूछा था भी हाई कमांड का आग्रह अलग अलग कॉर्नर से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी के नेताओं को अलग अलग कॉर्नर से सत्ता पक्ष को, लेकिन दूसरा जो नेता लोग हैं पार्टी के अंदर वो अपने वर्चस्व की लड़ाई हमेशा शुरू से लड़ते हैं और लड़ ही रहे हैं, जो मेरा मानना है। बिल्कुल, चलिए हम सभी खास मेहमानों के पास वापस भी लौटेंगे, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, कई और अहम सवाल हैं जो कि जनता भी जानना चाहती है, उन तमाम सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिया।